नमस्कार, मैं सीमा न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल के दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस की विश्वसनीय खबरें आपके मोबाइल पर। आगे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले हेडलाइन। भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में युवा भाजपा की ओर से क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ। भारतीय जनता युवा मोर्चा के स्थापना दिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर जिला अजमेर की ओर से युवा भारत क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। 17 अप्रैल को प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला और समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा। परंपरा को सर माथे रखता है और हमारे बीच में आए हुए अतिथियों कुशाल गोयल जी से निवेदन और मैडम को दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें। भाई अर्जा जल्द भरत जी जिला अध्यक्ष श्रीमान राहुल जी द्वारा करवाया जा रहा है और ये खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए मैं राहुल जी से निवेदन करूंगा सबको एक एक स्मृति चिन्ह आप अपने हाथों से प्रदान करें। और आप भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे का स्थापना दिवस है और एक नई पहल करते हुए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अजमेर की जो हमारी इकाई है इसने एक नई सोच के साथ एक युवाओं की क्रिकेट प्रतियोगिता रखी है, साथ ही साथ युवाओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का भी कार्यक्रम रखा है। तो एक नई सोच और नई उमंग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पे 42वां स्थापना दिवस है तो आज युवा मोर्चा अजमेर ने एक प्रतियोगिता का आयोजन करा है, क्रिकेट प्रतियोगिता जिसके अंदर वार्ड स्तर के ऊपर प्रतियोगिता है जिसमें लगभग 100 टीमों ने पार्टिसिपेट करा है। पहले क्वालिफायर राउंड चलेगा फिर उसके बाद में वार्ड स्तर के ऊपर क्रिकेट खेला जाएगा। इसके अंदर युवा मोर्चा की तरफ से जो विजेता टीम है उसको 21,000 रुपये का पारितोषिक इनाम है, 11,000 रुपये उपविजेता है और सभी युवा मोर्चा की जितनी भी टीम है और जितने मेंबर सबको टी शर्ट मिलेगी युवा मोर्चा की तरफ से स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में। आज उद्घाटन सत्र था, उद्घाटन सत्र के अंदर जो हमारी प्रथम महिला महापौर है ब्रजलता जी हड़ा, हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रियशील जी भाई साहब, हमारे एमएलए प्रत्याशी रहे किशनगढ़ से युवा नेता जो है विकास जी चौधरी, हमारे दोनों महामंत्री रमेश जी और संपत जी भाई साहब उपस्थित रहे कार्यक्रम के। लगभग 8-8 ओवर का मैच होगा, क्वालिफायर 6-6 ओवर का होगा, फिर उसके बाद में सेमीफाइनल और फाइनल 10 और 12 ओवर का खेला जाएगा। डे नाइट मैच है, 5 बजे शाम को स्टार्ट होगा और रात को 11 से 12 बजे तक चलेगा। राहुल जायसवाल जिलाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा। नेता हेमंत बाटी के पुत्र और पुत्र वधु को विवाह उपरांत आशीर्वाद देने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट। पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज एक दिवसीय निजी यात्रा पर अजमेर पहुंचे। स्थानीय कांग्रेस नेता हेमंत बाटी के पुत्र को विवाह उपरांत आशीर्वाद देने आए पायलट का स्थानीय कांग्रेस जनों से जोरदार स्वागत किया गया। यार रखो फालतू यार।
मैं तो हमेशा से कहता आया हूं और फिर दोहरा रहा हूं कि जो नियुक्तियां सरकार कर रही है, पहले ऐसा देखने में आया था कि पॉलिटिकल वर्कर से ज़्यादा जो हमारे अधिकारी या जो प्रशासन के लोग थे उनको काफ़ी जगह दी गई थी, लेकिन अब कुछ उसमें अनुपात में बेहतर करने का प्रयास किया गया है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो कदम उठाए हैं सही दिशा में सही कदम उठाए जा रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि जो 30 साल की परंपरा है, परिपाटी है, भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव ने कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फोटो पे माथे पर बिंदी लगाकर अनूठा प्रदर्शन किया। जब हमारी महिलाएं हम ज्ञापन देने आते हैं, ऐसी सरकार को छोड़ देना चाहिए, सीट कोई जरूरत नहीं है। कितनी लग रही उनको मैसेज दे दो, मातृशक्ति आ चुकी है, नौ दुर्गे चल रहे हैं। जैसे पहले तो मैं अपने मीडिया भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जो ऐसी गूंगी बहरी सरकार तक हमारी आवाज़ को पहुँचाते हैं। साथ ही आज महिला मोर्चा में भारतीय श्रीवास्तव अध्यक्ष और मेरी महिला मोर्चा की सभी मातृशक्ति के साथ यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं और राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने आए हैं। जैसा कि आपने देखा कि कोटा में, जोधपुर में जब जब ये धार्मिक कार्य मतलब कार्यक्रम आते हैं तब तब अशोक गहलोत जी को सूझता है कि 144 धारा लगा दी जाए। कोई भी अपने बोला जो मातृशक्ति जो भी है, कोई अपने यहाँ पर मंदिरों के झंडे लेके नहीं आएगा, किसी प्रकार के धार्मिक झंडे लेके नहीं आएगा, पटाखा लेके नहीं आएगा, ऐसा क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ धर्मेंद्र गहलोत जी से कि आप रमजान में तो कहते हैं कि यहाँ पर लाइटें जली रहनी चाहिए और कहीं भी लाइट बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाइट बंद नहीं होनी चाहिए तो हम ये कहना चाहते हैं कि दुर्गाओं का जो हमने रामनवमी आ रही है, महावीर जयंती आ रही है, उसके साथ साथ हनुमान जयंती आ रही है, तो जब सभी धर्मों की हमारे लोगों का जो जुलूस निकल रहा है उसमें आप ऐसा क्यों करते हैं? इस चीज़ को आक्रोशित होकर हम लोग यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है, क्योंकि जब पूर्व में हमारी वसुंधरा राजे जी थी, मुख्यमंत्री थी, 36 कौमों को साथ लेकर चलती थी, कभी उनके राज में ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने आपस में लड़ाई लड़ी हो, जबकि हिंदू मुस्लिम हम सब एक हैं, हम अजमेर में किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना लेकर नहीं चलते हैं, ना ही लड़ाइयाँ करते हैं। आज जो करौली में हुआ है वो भी प्रशासन की गलती से हुआ है, और आज भी अगर कुछ अजमेर में ऐसा हादसा होता है तो प्रशासन की गलती से होगा, उनकी गुलामी से होगा, क्योंकि सरकार की गुलाम प्रशासन है, वो सरकार कहेगी वैसा प्रशासन को करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह देना चाहती हूँ 144 धारा जो लगाई है और जो हम लोगों के जुलूस हैं वो निकलेंगे, हम लोग निकालेंगे, और आप लोग सरकार है अगर होश में आ जाओ, अगर जनता को आप लोग आक्रोशित करना चाहते हो, आप चाहते हो कि अजमेर में भी हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ हों, तो अगर ऐसा कुछ होता है, मेरे मुस्लिम भाइयों आपसे भी कह देना चाहती हूँ, आपके रमजान है, हम लोगों को कोई कष्ट नहीं है, और हमारे यहाँ पर जो सबकी जयंती में जो जुलूस निकलेंगे उसमें भी आप लोगों को ऐतराज़ नहीं है। प्रशासन के ऊपर ना जाइए, सरकार को ना देखिए, सरकार सिर्फ वोट बैंक बनाती है और हम लोगों को लड़ने का काम करती है। मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि आज हम लोग बहनें जो नवदुर्गे के व्रत करके बैठी हैं, यहाँ पर जो ज्ञापन देने राज्यपाल के नाम आए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के कोई जू नहीं रेंग रही है ना रेंगने वाली है, उसने मातृशक्ति को कभी सुरक्षित नहीं रखा है, ना थाने में मातृशक्ति सुरक्षित रही है, ना अस्पताल में रही है, ना टेम्पू में रही है, ना कहीं घरों में रही है, तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंक देने के लिए हम लोग ज्ञापन देना है कि 144 धारा हटा दी जाए, वरना हो सकता है हम लोग रोड पर उतर के किसी भी तरह की कुछ भी कर सकते हैं, और क्या घटना होगी उसका प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा। देखिए समय इसलिए हो गया क्योंकि मुख्यमंत्री जी को VC से फुर्सत नहीं है, उनको कहाँ जनता की पड़ी है, वोट आएंगे तो वापस से सोच रहे हैं कि हम मुस्लिम हिंदू करके ले लेंगे, लेकिन मुसलमान भाई भी अब समझ चुके हैं, वो चाहते हैं कि हम सरकार के वोट बैंक के बन के नहीं रहेंगे, हमें सभी को। देखिए कल अशोक गहलोत जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने पूरे प्रदेश भर में हिंदू त्योहारों को देखते हुए धारा 144 लागू की है। इससे ये स्पष्ट है कि कांग्रेस सरकार बहुसंख्यक हिंदुओं की विरोधी है, और जब कभी दीपावली आती है तो फटाके नहीं फोड़े जाएंगे, होली आती है तो पानी नहीं बहना चाहिए, साथ ही साथ में अब चूंकि महावीर जयंती है, अम्बेडकर जयंती है और हनुमान जयंती है, ऐसे अवसरों पर
धारा 144 लगाई गई है, ये स्पष्ट दिखाता है कि अशोक गहलोत और स्वयं कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। एक तरफ नववर्ष के जुलूस पर एक समुदाय विशेष द्वारा हिंदुओं पर पत्थरबाजी की जाती है और पत्थरबाजी में सैकड़ों लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन उस पार्षद को अभी तक पकड़ नहीं पाई है जिसने ये घटना कारित की है। इसी तरह से जयपुर में कांड हो जाता है लेकिन उनको दोष दिखाई नहीं देता। तो ये सब जो कारण है वो बताते हैं कि कांग्रेस किस तरह से हिंदू के विरोध में काम कर रही है और 144 लगाने के पीछे भी यही मंतव्य है। तो मैं तो यह कहूंगी कि कांग्रेस पूरी तरह से हिंदू विरोधी है, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, किसी तरह से एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए यह जो राजनीतिक दल है वो कार्य करता है। इसलिए बहुसंख्यक समाज चुनाव के दरमियान उनको सबक सिखाएगा कि कैसे हिंदू तीर्थ त्योहारों को मनाने से रोक लगाई जाए। अजमेर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद, चोर अब दिन दहाड़े भी चोरी कर पुलिस को दे रहे हैं चुनौती। लगातार बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं चोर, दिन दहाड़े भी चोरी कर वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। चोर बाजार से बाइक पर रखा बैग चोरी कर फरार हो गए। मामले पर सेल्समैन ने अलवर गेट थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरा एक माल क्या है, मनवार गार्डन पे मैं एक लाइट वाले की दुकान है उसमें माल दे रहा था, वो पैसे दे रहा था, पैसे लेके और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ा तो मेरा स्कूटर पे से बैग चोरी होके लेके चले गए दो जने, मैंने उनका 9 नंबर तक पीछा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में माहेश्वरी समाज के संजय बियानी पर हत्या का विरोध करते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। नांदेड़ में हुई माहेश्वरी समाज के संजय बियानी पर हमले व निर्मम हत्या का विरोध जाहिर करते हुए दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग के चलते अजमेर जिला माहेश्वरी संस्था के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आज माहेश्वरी समाज में भारी रोष है क्योंकि महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के अंदर हमारे बियाणी जी को निर्मम हत्या करके गोली मार दी गई, जो कि समाज कल्याण के कार्य करते हैं, समाज के अंदर अहम भूमिका रखते हैं। ऐसे माहेश्वरी समाज जो देश के अंदर राष्ट्र के निर्माण में हमेशा अग्रणी रहता है, जैसे हमारा समाज धर्मशाला बनाना, स्कूल बनाना व कुआ बावड़ी, मतलब छोटे से छोटे कस्बों के अंदर माहेश्वरी समाज देश निर्माण के अंदर अग्रणी रहता है। फायसागर रोड पर चलती स्कूटी में लगी आग, युवक ने कूद कर बचाई अपनी जान। अजमेर के फायसागर रोड पर चलती स्कूटी में आग लग गई, इस दौरान स्कूटी सवार युवक ने कूदकर जान बचाई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, इसके बाद स्कूटी जलकर खाक हो गई। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने आग को बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग नहीं बुझी। घुघरा घाटी निवासी तुषार ने बताया कि वह स्कूटी पर बैठकर पुष्कर से अजमेर की तरफ जा रहे थे, इस दौरान उनकी एक्टिवा स्कूटी में फायसागर रोड पर अचानक आग लग गई। नियमित खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल को। अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।